फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। हमने तो आप लोगों ने देख ही लिए हो दोस्तों, ये आज होने वाली है और एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की रिव्यू। मैं बात कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की न्यू लॉन्च। मेरे हाथ में देख सकते हो, ये है स्विस ब्यूटी की न्यू लॉन्च। यस, ये स्विस ब्यूटी की हाइड्रा आई सीरम पैच है। 60 पीसेस है, पर अब मैंने ऑलरेडी इसको वन टाइम इस्तेमाल कर लिया है, तो अभी सिर्फ 58 पीसेस ही बचे हैं दोस्तों। और ये जो है, ये स्विस ब्यूटी हाइड्रा आई सीरम पैच एलोवेरा के साथ आती है। और इसकी जो इन्ग्रीडियंट की लिस्ट है, मैं वो स्क्रीन पे मेंशन करी हूँ दोस्तों। और मैंने इसको पर्पल से परचेज किया था। ये जो प्राइस है 299 है, पर मुझे वहाँ पे डिस्काउंट्स मिल गए थे दोस्तों। तो इसको कैसे यूज़ करनी है, आपकी जो स्किन है एकदम क्लीन होनी चाहिए, और फिर इसकी जो आई मास्क है, स्पून इसमें दिया गया हुआ है, उसकी मदद से आपको इसको निकालना है और आपको अप्लाई करनी है आईज़ में, और कीप 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आपको ये उतार देनी है, और जो एक्सेस सीरम जो बचता है उसको नहीं क्लीन करनी है, मसाज करके जेंटली छोड़ देनी है, और आप इसको वीक में 2 to 3 times इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों। ये जो एंटी रिंकल आई सीरम मास्क है, ये ब्राइटन्स करती है आपकी डार्क सर्कल्स को, और इसमें ये जो हाइड्रा जेल पैच है, इसमें टोटली कंटेंट्स है सोडियम हाइलुरोनेट एंड मेनी प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट एंड मॉइस्चराइज करने में मदद करती है। और ये जो है, ये जेल लाइक फॉर्मुलेशन है दोस्तों। ये जो मास्क है, बूस्ट करती है कोलाजन को और रिलैक्स योर फेस बाय रिमूविंग क्रो फीट एंड अदर एजिंग पैटर्न्स। तो देख सकते हो, ये है इसकी पैकेजिंग, ये है इसकी बाहर की पैकेजिंग, और इसकी अंदर की पैकेजिंग मैं दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर देख सकते हो, ऐसे स्पून है, और आप जब इसको ऐसे खोलोगे, ये देख सकते हो, ऐसे आई मास्क इसमें दिया गया हुआ है। 60 पीसेस हैं दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाएंगे। तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल करके मुझे कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है दोस्तों। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। प्राइस वाइज इसकी जो क्वांटिटी है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अभी बात करते हैं दो पॉइंट्स पे। ना ही मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, ना ही मुझे रिंकल्स की, दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, जो है आपके आइज़ की एरिया जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखने लगते हैं। वो डार्क सर्कल्स नहीं होते, पर आप जो स्ट्रेस्ड हो या फिर आप टेंशन में हो, वो पता चल जाता है। पर इसको लगा के मुझे सच में फ़ायदा मिला है दोस्तों। मेरी आईज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखने लगे हैं, और ये बात मुझे पसंद आई है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कोई भी आई पैचेस यूज़ करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे या फिर रिंकल्स जो है वो हट जाएंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी ही ज़रूरी है। पर हाँ, अगर आप पसंद करते हो इसको लगाना, या फिर थोड़ा बहुत हद तक ही कम हो सकती हैं, मतलब अगर आप इसको सोच रहे हो कि एक या दो पैचेस लगा के आपकी जो रिंकल्स है वो हट जाएंगे, डार्क सर्कल्स है वो हट जाएंगे, सॉरी दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है आपके ऊपर या नहीं। अगर वो आपके ऊपर काम कर रहा है तो अच्छी है, अगर नहीं कर रही है तो आपको और भी रेमेडीज़ इसके साथ साथ फॉलो करनी होगी। और उसके साथ भी अगर नहीं जा रही है प्रॉब्लम, तो डॉक्टर की एडवाइस लेना मत भूलना दोस्तों। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। तो ये छोटू वाली सी वीडियो अच्छी लगी हो, सो फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।